जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के परिवर्तन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हमने कल्प अपार तक की लिखित व्याख्या देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम अरे वे अपलक से शुरू करेंगे और पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। नोट्स भी हमने साथ में लिया है, पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा उसके बाद नोट्स में दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। देखिए, अरे वे अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोमों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। समझिएगा, कभी कहते हैं कि वृद्धावस्था आने पर आपके चारों नयन जो हैं, चारों नयन किसके, दो नेत्र आपके, दो नेत्र आपकी प्रेमिका के, ठीक है ना, यानी दो नेत्र प्रेमी के, दो नेत्र प्रेमिका के, यानी कि वे अपलक चार नयन, चार नेत्र जो हैं, अपलक माने बिना पलक झपकाए, यानी एकटक, अपलक माने एकटक, वही नेत्र जो हैं क्या करते हैं, आठ आठ प्रकार के आंसू रोते हैं। निरुपाय मतलब बिना किसी उपाय के, अर्थात उनको मिलने का उपाय नहीं रहता वृद्धावस्था में, वही एक दूसरे के यादों में क्या होते हैं, आंसू रोते हैं। आठ आंसू कैसे रोते हैं, देखिए एक नेत्र से दो दो दोनों तरह से दोनों दिशाओं से आंसू निकलते हैं, ठीक है ना, दोनों जगहों से, इधर से उधर से भी, तो चार नेत्रों से दो चौके आठ आंसू हो गए, ठीक है ना, यानी कि चारों नेत्र जो हैं आठ प्रकार के आंसू जो हैं गिराते हैं निरुपाय होकर के, उपायहीन होकर के, क्योंकि उनके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, ठीक है ना। और कहते हैं कि अपनी प्रेमिका के याद को याद करके, प्रेमिका की याद करके उनके जो रोवे होते हैं, रोंगटे जो होते हैं उठ जाते हैं, और आलिंगन माने गले लगाने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है ना। उठे रोवों के आलिंगन अर्थात गले लगाने के लिए प्रेरित होने के प्रति रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, और ऐसे और ये रोंगटों का खड़ा होना जो है वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, कसक उठता है कांटों से हाय, अर्थात तब इस प्रकार का दुख होता है जैसे शरीर में कोई कांटा चुभा दिया हो, ठीक है। कसक, कसक माने दर्द प्रतीत तो होता है कांटों सा, अर्थात जैसे शरीर में कोई कांटा चुभ गया हो, ठीक है ना। प्राचीन यादें जो हैं शरीर में कांटे की तरह चुभती हैं। आगे देखिए, कवि कहते हैं, किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज। देखिए कभी कहते हैं, किसी को सोने के सुख साज, कभी कहते हैं कि यदि आपको सोने के सुख साज, सोने के सुख साज का मतलब ये है कि सुख और सज्जा, सुख और सज्जा मतलब सारी सुख सुविधाएं अगर आपको मिल भी गईं, कभी कहते हैं कि अगर आपको मान लिया जाए कि अगर आपको सारी सुख सुविधाएं मिल भी गई ना, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, अर्थात अगर आपको सारी सुख सुविधाएं ऋण के रूप में भी मिल गई, अर्थात उधार के स्वरूप में भी अगर आपको आज मिल गई ना, अगर आज आपको सारी सुख सुविधाएं ऋण स्वरूप मिल गई, उधार स्वरूप मिल गई ना, तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज। तो दुख जो है ना, यानी अगर आपको आज सुख मिल गया तो कल दुख आएगा और जितना सुख मिला था उसको ब्याज स्वरूप आपसे वापस ले जाएगा, अर्थात जितना सुख आपने पाया है उसको दुख के रूप में आपको झेलना पड़ेगा। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, यानी अगर आपको ऋण स्वरूप सुख मिल भी गया ना, तो अगले ही दिन आपको दुख जो है दुख के रूप में सुख का ब्याज चुकाना पड़ेगा। काल को नहीं किसी की लाज, कभी कहते हैं समय को किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, अर्थात समय किसी को नहीं छोड़ता है दोस्तों, काल जो है, समय जो है हमेशा परिवर्तित तो होता रहता है, ठीक है। काल को नहीं किसी की लाज, अर्थात समय को किसी की लज्जा नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ता समय, बहुत बेकार चीज होती है। आगे देखिए, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्र धनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। समझिएगा, कवि कहते हैं विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, विपुल माने बहुत ज्यादा मणि रत्नों मतलब मणियों और खजानों का, जाल माने समूह, यानी मनुष्य क्या करता है पूरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति इकट्ठा करता है, और कभी कहते हैं इन धन और संपत्तियों का जाल जो है, खजाना यानी समूह जो है ना, ये इंद्र धनुष की छटा विशाल, अर्थात छटा माने छवि या सौंदर्य, विशाल माने बड़े, अर्थात ये विशाल इंद्र धनुष के सौंदर्य की भांति होता है,
यानी धन संपत्ति खजाना जो व्यक्ति इकट्ठा करता है ये इंद्रधनुष की छटा के समान होता है। जैसे इंद्रधनुष कुछ क्षण के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है, ऐसे ही जिंदगी में धन संपत्ति होती है दोस्तों, ये क्षणिक होता है, एक क्षण के लिए आपको प्राप्त होता है और फिर आपके हाथों हाथ ये गायब हो जाता है। विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल, अर्थात विभव माने वैभव धन संपत्ति, यानी विद्युत विभव जो है, देखिए यहाँ पे फिजिक्स मत लगाना, विभव विभव का मतलब है वैभव अर्थात धन संपत्ति। कभी कहते हैं कि धन संपत्ति रूपी विद्युत ज्वाला जो है, धन संपत्ति रूपी विद्युत की ज्वाला जो है, विद्युत का समूह जो है ना, इसकी चमक जो है, जैसे बिजली आसमान में चमकती है तो चमकने के बाद तुरंत छिप जाती है ना, तो ऐसे ही कभी कहते हैं कि विभव की विद्युत ज्वाल जो है चमक छिप जाती है तत्काल, अर्थात वैभव रूपी धन संपत्ति। ठीक है, वैभव रूपी देखिए विद्युत धारा रूपी धन संपत्ति की ये जो ज्वाल जो है, ये समूह जो है, इसकी चमक जो है छिप जाती है तत्काल, अर्थात अगर आपको धन संपत्ति मिली ना तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती, ये क्षणिक होती है। ये विभव जो है, वैभव जो है, धन संपत्ति जो है, ये विद्युत की चमक की भांति है, जैसे वो एक क्षण के लिए चमकती है और फिर छिप जाती है, वैसे ही धन संपत्ति भी क्षणिक है। ठीक है, मोतियों जड़ी ओस की डार हिला जाता चुपचाप बयार। कभी ये कहते हैं कि मोती रूपी ओस की डाल, डार डार माने डाल, मोतियों मतलब मोती से जड़ी माने लदी हुई, अर्थात कोई ऐसी डाल जिसमें ओस रूपी मोतियां जड़ी हुई हों, अर्थात ओस की बूंदें उसके ऊपर लदी हुई हों, कोई ऐसी डाल हो जिसमें ओस की बूंदें उसके ऊपर लदी हुई हों, मोती रूपी, मोतियों जड़ी मतलब मोती रूपी ओस की बूंदों से लदी हुई कोई डाल जो होती है, तो उसको चुपचाप माने शांति से बयार माने हवा आती है और उसको हिला जाती है, जिससे उसका सारा सौंदर्य खत्म हो जाता है ना। वैसे ही जिंदगी में ये भी होता है, धन संपत्ति होता है दोस्तों, मृत्यु आती है और आपको लेकर के चली जाती है, सारा धन संपत्ति धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की व्याख्या आपको दिखाते हैं। एक तरफ लिखेंगे अरे वे अपलक, दूसरी तरफ लिखेंगे चुपचाप बयार, डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वत व्याख्या। कवि कहते हैं कि प्रिय की विरह वेदना में पथराई आँखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं, उन असहाय आँखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता, वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जान करके व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है, भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे को गले लगाना चाहते हों, दुखों से उसको इस प्रकार पीड़ा पहुंचती है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हों, सुख कभी भी स्थायी नहीं होता, यदि आज किसी को सुख सुविधाएं उधार स्वरूप प्राप्त हो भी जाती हैं तो कुछ समय बाद उसे प्राप्त सारे सुख को ब्याज सहित दुख रूप में झेलना पड़ता है। कवि कहते हैं कि समय को किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा असंख्य मणियों व रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध कर देने वाली और अत्यंत मोहक होती है, पर वह उसी क्षण नष्ट हो जाने वाली भी होती है। जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर में किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वैभव व सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। क्षणिक माने एक क्षण के लिए। मोती रूपी ओस की बूंदों से परिपूर्ण डाल को हवा आते ही हिला देता है, जिससे उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रस शांत छंद स्वच्छंद शैली प्रतीकात्मक अलंकार अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण गुण ओज रहेगा और शब्द शक्ति लक्षणा रहेगी। खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण अभी उत्सव हास उल्लास अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। देखिए कवि कहते हैं कि ये संसार जो है, इस संसार में जीवन का क्रम जो है लगातार चलता रहता है। कवि ये कहते हैं कि एक तरफ क्या होता है कि जन्म जो है खोलता है, मतलब खोलता है इधर माने एक तरफ लोचन माने नेत्रों को, एक तरफ किसी नए जीव का जन्म होता है और वो अपने नेत्र इस धरती में खोलता है, अर्थात संसार को देखने के लिए अपने नेत्र खोलता है, तो दूसरी तरफ क्या होता है, मृत्यु जो होती है प्रत्येक क्षण मूंदती मतलब आंखें मूंद करके कोई व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है, एक तरफ क्या होता है कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपने आँखों को खोलता है, और दूसरी तरफ क्या होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी आँखें मूंद करके इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाता है।
यानी कि ये क्रम हमेशा जन्म मरण का चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। कभी ये कहते हैं कि जिधर जन्म हुआ उधर तो उत्सव मनाया जा रहा है, और हास हुलास माने उल्लास पूर्वक, हास हुलास मतलब उल्लास पूर्वक उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु जिधर मृत्यु होती है उधर अवसाद होता है, दुख छाया हुआ रहता है। और अश्रु, अश्रु माने आंसुओं का बहाव रहता है, आंसुओं का बहाव रहता है। और उच्छ्वास माने लोग दुख भरी सांसें लेते हैं, ठीक है, उच्छ्वास माने दुख भरी सांसें लेना, ठीक है, लोग दुख भरी सांसें लेते हैं, दुख से परिपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, यानी कहीं दुख कहीं सुख ये व्याप्त होता रहता है, चलता रहता है ये क्रम। आगे कहते हैं अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला काश सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड्डूगन। तो देखिए अचिरता, अचिरता माने होता है नश्वरता, अर्थात वह चीज जो नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट होना ही है। तो कवि ये कहते हैं, कवि को ऐसा लगता है अचिरता माने नश्वरता को देख, माने देख करके, जगत माने संसार की, यानी संसार की नश्वरता को देख करके, कवि को ऐसा लगता है कि संसार की नश्वरता को देख करके आप माने अपने आप ही समीर जो है निःश्वास माने सांस छोड़ने लगी है, अर्थात हवा चलने लगी है। और शून्य भरता, शून्य भरता का मतलब ये है दोस्तों आहें भरना। आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ऐड करना है। शून्य भरता का मतलब आहें भरना, दुखग्रस्त हो जाना, यानी कि कवि ये कहते हैं कि संसार की अचिरता को देख करके, नश्वरता को देख करके वायु जो है अपने आप ही आहें भरने लगी है, ठीक है, दुखी हो गई है वायु जो है, दुखग्रस्त हो गई है। और उसके दुख को देख करके आसमान जो है, नीला आकाश जो है, उसके दुख को नहीं सहन कर पाया, और अपने आंसू रूपी ओस के कणों को, नीला आकाश जो है अपने आंसू रूपी ओस के कणों को डाल रहा है, डाल रहा है पातों पर मतलब पत्तों पर, यानी पौधों के पत्ते जो हैं, वृक्षों के पत्ते जो हैं, उन पर अपने आंसू रूपी ओस के कणों को चुपचाप मतलब शांत तरीके से अपने आंसुओं को गिरा रहा है। आकाश जो है वो भी दुखग्रस्त हो गया है इस परिवर्तन को देख करके, इस संसार के नियम को देख करके, ठीक है। सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड़ूगन, यानी कभी ये कहते हैं कि समुद्र का मन जो है वो भी दुखग्रस्त हो गया। सिसक उठना मतलब दुखग्रस्त हो जाना, यानी कि समुद्र का मन भी दुखग्रस्त हो गया और कांपने लगा। सिहर उठते मतलब कांपने लगे, उड़ूगन, उड़ूगन माने नक्षत्र, यानी तारे और चांद ग्रह वगैरह, यानी सारे ग्रह जो हैं, सारे नक्षत्र जो हैं वो भी कांपने लगे इस संसार की परिवर्तनशीलता को देख करके, ठीक है। चलिए यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट वाले को समझते हैं। एक तरफ लिखेंगे खोलता इधर जन्म, दूसरी तरफ उठते उड़ूगन, ठीक है, देखिए डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वत व्याख्या, कवि कहते हैं कि इस संसार में जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहता है। एक और कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपनी आँखों से संसार को देखते हैं, तो दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आँखें मूंद कर इस संसार से विदा हो जाते हैं। एक ओर जन्म लेने पर हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। अभी अभी जहां आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वह दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। बरबस आकर मतलब जबरदस्ती आकर, ठीक है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी है। क्षणिकता, क्षणिकता माने नश्वरता को देख करके, ठीक है, नीला आकाश यह सब नहीं देख पाता और दुखी होकर आंसू रूपी पेड़ की शाखा पर ओस की बूंदे टपकाने लगा है। सागर भी धैर्य खो करके सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उन दृश्य को देख कांप उठे हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रस शांत शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद अलंकार अनुप्रास रूपक, मानवीकरण गुण ओज शब्द शक्ति लक्षणा। देखिए छठवां नंबर पद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। देखिए, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे कवि कहते हैं अहे, अहे माने अरे, निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर माने निर्दयी परिवर्तन, कि हे निर्दयी परिवर्तन, हे निर्दयालु, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर दया नहीं करता, हे निर्दयी परिवर्तन,
तुम्हारा ही इस संसार में खेला है, यानी इस संसार के बस तुम ही स्वामी हो, क्योंकि जगह जगह पे बस तुम्हारा ही खेला दिखाई दे रहा है। चाहे जिधर देखो हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस दुनिया में केवल तुम्हारा ही राज है। हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, अर्थात ये तुम्हारा प्रलयकारी तांडव जो है ना, तांडव तांडव नृत्य आप लोग जानते ही हैं, जब शंकर जी नाचते हैं तांडव करते हुए, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, ये तुम्हारा प्रलयकारी तांडव जो है ना, तांडव करते हुए ये नाचना जो है ना तुम्हारा, ये विश्व का करुण विवर्तन है। विवर्तन माने गोलाकार, विवर्तन माने गोलाकार भंवरें, विवर्तन माने गोलाकार भंवरें, अर्थात जब तुम नाचते हो ना तो तुम्हारे भंवर में फंस करके, अर्थात तुम्हारे जाल में फंस करके ये विश्व जो है ना करुण से युक्त तो हो जाता है, अर्थात दुखग्रस्त तो हो जाता है, अर्थात तुम्हारे भंवर में फंस करके इस संसार का करुण जो है अंत, करुण अंत हो जाता है, अर्थात ये संसार जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारे इस तांडव रूपी नृत्य, जब तुम ये नाचते हो ना, तांडव नृत्य करते हो ना, तो इसके गोलाकार घेरे में ये संसार फंस जाता है और उसका बहुत ही बुरी तरह से हाल होता है। अर्थात हर व्यक्ति परिवर्तन से ग्रसित है, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवर्तन से ग्रसित ना हो। तुम्हारा ही तांडव नर्तन जब तुम प्रलयकारी नृत्य करते हो तो तुम्हारे विवर्तन माने घेरे में फंस करके इस संसार का बहुत ही करुण अंत होता है। करुण अंत होने का मतलब ये है बहुत ही निर्दयता से अंत होता है, ठीक है। तुम्हारा ही नयन उन्मीलन है, उन्मीलन माने खोलना, नयन माने नेत्रों का, अर्थात हे परिवर्तन जब तुम नयन माने नेत्रों को, उन्मीलन माने खोलते हो, अर्थात जब तुम नेत्र खोलते हो तो निखिल माने संपूर्ण संपूर्ण देश में उत्थान माने उन्नति होती है और पतन होता है। अर्थात जैसे शंकर जी आँख खोलते हैं ना तो क्या होता है, विनाश होता है। शंकर जी आँख खोलते हैं तीसरी आँखें तो विनाश होता है, वैसे ही तुम भी जब अपने नेत्रों को खोलते हो तो इस दुनिया में विनाश होता है और पतन होता है। उत्थान माने उन्नति भी होती है और पतन भी होती है, अर्थात इस संसार में जितनी उन्नति और पतन होता है हे परिवर्तन, वो सब तुम्हारे आँख खोलने पर ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कवि ने परिवर्तन को बना दिया है सर्पराज वासुकी। आप लोग जानते हैं वासुकी कौन है, सांपों का राजा है, ठीक है। वासुकी जो है सांपों का राजा है, तो यहाँ पे परिवर्तन को कवि ने बना दिया है सांपों का राजा यानी सर्पराज वासुकी। तो कवि कहते हैं, अरे परिवर्तन तुम वासुकी सांप के समान सहस्र फन माने हजारों फन वाले हो, अर्थात जैसे वासुकी सांप जो है हजारों फन वाला है, वैसे ही तुम भी हजारों तरीके की कलाएं करने वाले एक वासुकी सांप की तरह हो। हे परिवर्तन तुम्हारी इस दुनिया में अनेकों कलाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। लक्ष्य माने लाखों, लक्ष्य माने लाखों, अलक्षित माने ना दिखाई देने वाले। हे परिवर्तन तुम्हारे लाखों ना दिखाई देने वाले चरण माने पैर जो है ना, तुम्हारे माने तुम्हारे चिन्ह माने चिन्ह छोड़ रहे हैं, प्रतीक छोड़ रहे हैं निरंतर माने लगातार, यानी तुम्हारे पैर जो हैं लाखों पैर जो कि नहीं दिखाई देते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कब कहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाए कोई नहीं जानता, कब कहाँ पे क्या हो जाए कोई जानता है क्या, नहीं जानता। कब किसको सुख मिलेगा किसको दुख मिलेगा कोई नहीं जानता। अर्थात हे परिवर्तन तुम्हारे लाखों ना दिखाई देने वाले पैर जो है ना लगातार इस धरती के बिच्छत माने विस्तृत, बिच्छत माने विस्तृत, वक्ष स्थल माने फैले हुए मैदान में, इस धरती के फैले हुए वक्ष स्थल रूपी मैदान में, जग के मतलब संसार के विस्तृत वक्ष स्थल माने फैले हुए मैदान में तुम्हारे ये ना दिखाई देने वाले लाखों पैर जो हैं निरंतर माने लगातार चिन्ह छोड़ रहे हैं, अर्थात अपनी छाप छोड़ रहे हैं, अर्थात इस संसार में पूरा किया हुआ सब तुम्हारा है हे परिवर्तन, ठीक है। सत सत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। देखिए सत सत, सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों, सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों, फेन उच्छ्वसित, फेन उच्छ्वसित मतलब फेन से युक्त, फेन उच्छ्वसित माने फेन से युक्त अर्थात झाग से युक्त। देखिए सर्पराज वासुकी बना दिया है ना, पहले ही परिवर्तन को कवि ने सर्पराज वासुकी कहा है, ठीक है। अब सर्पराज वासुकी हैं तो उनके मुख से फुफकार तो निकलेगी, अब भाई सर्पराज हैं सांपों के राजा हैं तो उनके फुफकार में भयंकर विष भी रहता है ना। तो वही चीज़ कहते हैं कि हे सर्पराज वासुकी रूपी परिवर्तन तुम्हारे सैकड़ों सैकड़ों मुंह से निकलने वाली भयंकर फुफकारें जो हैं ना,
फुफकार मतलब फुफकारें, फुफकार तुम्हारे मुख से जो निकलने वाली फुफकार है ना भयंकर, वो क्या है? स्फीत माने प्रचुर मात्रा में फेन से युक्त है। कैसे फेन से? विष से परिपूर्ण फेन से युक्त है तुम्हारी फुफकारें, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं? घुमा रही हैं, घुमा रही हैं। घनाकार मतलब बादलों से युक्त, घनाकार मतलब बादलों से युक्त जगती के अंबर को, यानी धरती के आसमान को जो कि बादलों से युक्त है, उसको ये तुम्हारी भयंकर सैकड़ों सैकड़ों फुफकारें क्या कर रही हैं? घुमा रही हैं। अर्थात इस धरती में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हे परिवर्तन, जो कुछ कर रहे हो वो सब तुम ही कर रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। यानी कभी ये कहते हैं कि हे परिवर्तन, देखिए सर्पराज वासुकी रूपी परिवर्तन, हे सर्पराज वासुकी रूपी परिवर्तन, ये मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है। गरल दांत माने विषैला दांत, जैसे सांप के पास एक दांत होता है बहुत विषैला होता है, सपेरा लोग उसको तोड़ देते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हे सर्पराज वासुकी रूपी परिवर्तन, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है, और कल्पांतर ही अर्थात समय का बदलाव, समय का फेर, युगों युगों का बदलाव जो है यही तुम्हारा कंचुक अर्थात केचुल है। यही तुम्हारा क्या है? केचुल है। और अखिल विश्व ही मतलब संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा बीवर, बीवर माने बिल है, बांबी है, घर है तुम्हारा। जैसे सांप बिल में रहता है ना, तो बिल को बीवर कहा गया है। अर्थात संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा बीवर है, यानी इस संपूर्ण दुनिया में तुम जगह जगह पे विद्यमान हो, ठीक है। परिवर्तन वक्र कुंडल दिक मंडल, यानी सारी दिशाओं का ये मंडल जो है ना, संपूर्ण दिशाओं का मंडल जो है, पूरा दिशा मंडल जो है ना, ये तुम्हारी वक्र माने गोलाकार, कुंडल माने कुंडली है। यही तुम्हारी गोलाकार कुंडली है, अर्थात जो तुम गोल गोल बैठते हो ना, तो ये सारी दिशाओं का मंडल ही तुम्हारा गोलाकार मंडली है। चलो यहाँ तक की व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे अहे निष्ठुर परिवर्तन, दूसरी तरफ कुंडल दिक मंडल, ठीक है। संदर्भ पूर्वत व्याख्या में कवि कहते हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस संसार का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, वो मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। हे हजारों फनों वाले वासुकी यानी परिवर्तन, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है। यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बांबी यानी बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, रस शांत भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक छंद स्वच्छंद गुण ओज, अलंकार अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण शब्द शक्ति लक्षणा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ RP लिखना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।